गाइस लड़का निकल चुका है स्कूल के लिए। चलो ललके ललके मुंह तो दिखा दो, हैंडसम बॉय सा मुंह। तो गाइस देख सकते हैं आप कितने जोर से धूप शूप निकल रही है, ठंडी भी जितनी जोर से धूप भी उतनी जोर से। गाइस गुड मॉर्निंग, चेयर माता दी कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। निप की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। सो कैसे हो आप सब लोग, और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है मेरा 12 बजे और आज नए साल का दूसरा दिन है और बस अच्छे से इंजॉय किया गया। होप सो कि आप लोगों ने अच्छे से इंजॉय किया होगा, सभी ने, फैमिली ने भी एंड फ्रेंड्स ने भी, सब ने अच्छे से इंजॉय किया होगा। एंड ब्लॉग शुरू कर लिया है मैंने, तो मैंने सोचा आज मैंने अपने ये पढ़ ली है कि साल के 365 दिन होते और इस 365 दिन में मैं 300 ब्लॉग तो बनाऊंगी ही बनाऊंगी, ये मैंने सोचा है। 65 नहीं तो 300 तो बननी चाहिए ना। सो इस बार मैं 300 ब्लॉग बनाऊंगी भले कुछ भी बनाऊँ। और आज मैं आपके लिए एक अलग सी रेसिपी भी लेकर आई हूँ, अलग सी नहीं है, मोस्टली सभी लोग बनाते हैं पर मैं साल में एक ही बार बनाती हूँ, तो मैं सोची कि आप लोग के संग भी शेयर करूँ कि मैं क्या बनाती हूँ। पर उसकी वीडियो ना इसी चैनल पर आएगी, पर वो अलग से आएगी और वो होगा गाजर का हलवा। तो मैं आज आप लोग के संग गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर करूँगी, पर मैं अपने व्लॉग में नहीं डालूंगी, उसकी रेसिपी अलग से शेयर करूँगी। सो ऐसा करता है अभी मैं गाजर वाजर तो लिया ही दिखाती हूँ आप लोग। सो मैंने गाजर वाजर ले लिए, यहाँ पे गाजर ले लिए, साथ में मेरी पूजा डन हो गई है, साथ में मेरी चाय भी पी ली है और मैंने साथ में टोस्ट खाए, चाय भी फिनिश हो गई है, इसके पापा भी चाय पी के चले। और आधी गुड़िया जब अपने घर पे सोए थे क्योंकि उन्होंने बोला भी हमने न्यू घर लिया है तो हमें घर में सोने की आदत तो होनी चाहिए एटलीस्ट, तो मैंने बोला हाँ ठीक है, तो इसलिए वो आज अपने घर में सोए थे। अभी आएंगे वो लोग मेरे संग हेल्प कराएंगे गाजर के हलवा बनाने के लिए। सो फटाफट से ऐसा करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे पहले घर को समेटते हैं उसके बाद बनाते हैं गाजर का हलवा। तो फाइनली मैं वापस आ गई हूँ गाइस, तो अभी काम वाली दीदी भी नहीं आई है और एक भी बजने वाला है, सो मैंने सोचा जब तक मैं ऊपर की सफाई कर लेती हूँ और उसके बाद काम वाली दीदी भी आई जाएगी तो फटाफट से अपना काम निपटा लेगी। और अब मैं दिखाती हूँ कि हमारे पास 2 से 3 हो गए, अब हमारे पास 2 टोर्टोइस चल रहे थे, 3 टोर्टोइस हो गए। सो ये वाला टोर्टोइस गुड़िया का है और ये दोनों जो मछली के तरफ चल रही हैं मेरे हैं, बस इनको अभी फटाफट से इनको नहला के इनका पानी चेंज करना है, ये उतरने के लिए जिद कर रहा है इनका वाला, जल्दी से निकलूँ मैं, निकलूँ। और मेरे वाले भी देखो कैसे मछल रहे मछली के जैसे। सो फटाफट से पहले मैं घर का काम निपटा लेती हूँ उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं, जल्दी जल्दी का काम भी करना है क्योंकि गाजर का हलवा भी बनाना है तो उसमें भी टाइम लगेगा, तो फटाफट से पहले काम निपटा लेते हैं। आप देख सकते हैं मेरे टोर्टोइस को कितनी मस्ती आ रही है, देखो एक उल्टा होकर जैसे लेट गया, देखो देख रहे हो ना, समझ गए ना, बस यही है 2 शैतान बच्चे। और ये बहुत शरीफ है क्योंकि ये गुड़िया का, गुड़िया बहुत शैतान है इसलिए उसका बच्चा शैतान नहीं है, और मैं बहुत शरीफ हूँ इसलिए मेरे दोनों बच्चे बहुत शैतान हैं, देख रहे हो ना आप। हाँ। बहुत शैतान है ये तो। हाँ। तो आ चुकी है ट्यूशन से, तो मैं इनको नहला के इनका पानी चेंज कर रही थी, सो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा आप लोग को भी दिखाई गए लोग कितनी मस्ती करते है, बहुत तंग करते है मम्मा को, ये कम था ये बच्चा कम था जो मम्मी को तंग करने के लिए, ये दो और आगे मुझे तंग करने के लिए, अब मैं क्या करूँ छोटा सा बच्चा, मुझे लगता है मैं अपनी मम्मी के घर चली आती हूँ इनको छोड़ के, चली जाऊँ गाइज मियाओ मेरी जिंदगी। सो गाइज फटाफट से किट्टू भी ट्यूशन से आ चुके, अब किट्टू का दोस्त भी आ गया, ये देखो किट्टू का दोस्त, ये देखो मानिक किट्टू का फ्रेंड आ गया, अब किट्टू चली गई मस्ती करने और मैं फटाफट से इनको खाना खिला देती हूँ। हे गाइस, तो फाइनली हो चुकी है दोपहर का बच चुका है 4, मतलब शाम का ही बच चुका है 4 और मैं ना उस काम वाम करते हम लोग थक गए थे और बाबू को, मैं भी सुबह जल्दी उठी थी और बाबू भी जल्दी उठ गई थी तो इसलिए हम दोनों सो गए थे। अब बच गया है 4 और अब हमारी आँख खुल गई है, फोन आ रहे थे थोड़े से तो इसके लिए हमारी आँख डीप डिस्टर्बिंग हो गई तो अब हम लोग उठ गए। सो अब मैं सोच रही हूँ 4 बज गए तो फटाफट से थोड़ी सी पहले चाय पी जाए ब्लैक टी, और आज मेरा बहुत दिनों के बाद ना पास्ता खाने का मन कर रहा था, मैं सोची थोड़ा पास्ता बना लूँ और उसके बाद गाजर का हलवा भी बनाना, तो वो प्रिपरेशन भी रेडी करते हैं फटाफट से। और किट्टू उठ चुकी है, अब किट्टू फोन चलाएगी मम्मा का, मम्मा ने इसको मार दिया क्योंकि उसने 2 चुटिया खोल दी थी दोनों, और बोल रही थी मम्मी मैं तो बेबी हूँ, बेबी बेबी नहीं है शैतान बच्चा है, शैतान बच्चा कुछ खिलाते पिलाते और मैं भी फटाफट अपने से थोड़ा सा पास्ता बनाती हूँ, बहुत दिन के बाद मन कर रहा है जलेबी बनाते हैं स्पाइसी सा, आहा मजा आ जाएगा। गाइस मैंने अपने लिए बना लिया है रेड चीज़ी पास्ता,
तो ये रेड चीज तो नहीं डाली मैंने, सिर्फ रेड पास्ता बनाया है क्योंकि ज्यादा चीज मुझे अच्छी नहीं लगती। मैंने कल ही चीज खाई थी बर्गर में, इसलिए मैं अवॉइड ही किया है चीज को। इसके लिए मैंने बना लिया अपना पास्ता, किट्टू के लिए व्हाइट पास्ता, मेरे लिए रेड चिल्ली पास्ता। और हम फटाफट से इसे इंजॉय करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस मैंने खा लिया है पास्ता। मेरी पास्ते का की जवान फिसलने लगी थी, तो मैंने खा लिया है पास्ता। और अब मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। पहले उससे पहले गाजर का हलवा बनाने के लिए बहुत प्रिपरेशन रेडी करनी है, जिससे कि मुझे पहले गाजर छीलनी है। दिखा देती हूँ, ये 5 किलो गाजर है, इसको छीलनी है, सॉरी इसको छीलनी है, फिर धोनी है, फिर इसके अंदर घिसनी है। सो फटाफट से करते हैं, फटाफट से रेडी करते हैं इनको, उसके बाद बनाने की, क्योंकि गाजर का हलवा बनाने में बहुत टाइम लगता है। और इसकी पूरी वीडियो दिखाऊंगी मैं आपको इसी चैनल पर दूसरे व्लॉग में, व्लॉग वगैरह अलग से व्लॉग। इस मैंने यहाँ पे ले लिए गाजर, ये 5 किलो गाजर है, इसको धो के अच्छे से और इसको छीलना है। अरे भागिए, इसको छीलना है और छील के घिसना है। सो फटाफट से, हम अकेले हैं अभी तो इसलिए फटाफट से रेडी कर लेते हैं, उसके बाद बाकी पूरी प्रिपरेशन। गाइस शाम हो चुकी है और शाम की पूजा हो चुकी है डन, और मैंने बजट से भी पूजा वूजा कर ली। और यहाँ पे दूसरी लड़की आ चुकी है मेरी मदद करने के लिए, तो ये घिस रही है गाजर। आधी मैंने घिस ली थी, आधी मुझे घिस के दे रही है। और फटाफट से मैं ऐसा करती हूँ, फटाफट से गैस पे चढ़ाती हूँ इसको और नीचे आती हूँ, फटाफट दूध वूध लेके आती हूँ और उसके बाद करते हैं अपना प्रोग्राम चालू। और यहाँ पे आए थे हम लोग इनके मावा लेने के लिए, फटाफट से आए और फटाफट चले गए, इसलिए ज़्यादा शूट नहीं कर पाए, सिर्फ मावा लेने आए थे, मावा लिया और निकल लिए। ठीक है, सो फाइनली हम लोग नीचे, अभी हमको अर्जेंटली नीचे जाना पड़ा, मैं वीडियो ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे ना, मैं दूध तो ले आई थी पर मैं मावा भूल, खोआ मतलब खोआ मावा जो डालते हैं ना उस भूल के आ गई थी, इसलिए मैं बस यूं गई और यूं वापस आ गई ऊपर, क्योंकि मैंने कहा फटाफट से गई थी तो उसके लिए ड्राई फ्रूट्स और वो लेके आए। बस अभी फटाफट काटेंगे पीटेंगे, खाना आज भी बन रहा है मेरे दो दोस्तों के यहाँ से। इन लोगों ने बोला तूने मुझे बहुत खिला लिया, अब हमारी बारी, अब हम तुझे अपने हाथ का खाना खिलाएंगे। मैंने बोला ओके नो प्रॉब्लम, ये कहना खाने के संग संग तुझे चीज भी खिलाएंगे, चीज बहुत बहुत टेस्टी है। तो फटाफट से अच्छा करते हैं, बस खाना पीना तो बनाना नहीं, कुछ ज्यादा काम है नहीं। कान्हा जी को भोग लगाते हैं फटाफट खाना बना के, किट्टू को भोग लगाते हैं खाना बना के, इसको भी भोग लगाना भी चीज का रही है, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइस देख सकते हैं हमारे बच्चे कैसे मिलके टीवी देख रहे हैं, हम लोग डबल एक्सल, ये सब लोग स्मॉल स्मॉल है और पिक्चर ये लोग डबल एक्सल देख रहे हैं मेरी। देखो ये बच्चा भी एक्सेल स्मॉल है, ये बच्चा भी स्मॉल है, ये मीडियम है, ये स्मॉल है, और मैं हूँ एक्सेल, और ये लोग दोनों मिलके मेरी पिक्चर दी और पिक्चर है डबल एक्सेल। सो गाइस खाना पीना हो चुका है हमारा डन, और बस अब खाना पीना हो गया तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से जाके मतलब अब फटाफट से हलवा भी बस ऑलमोस्ट डन ही हो गया है। सो हलवे की रेसिपी भी मैंने बनाई है, पूरी दूंगी आप लोग को इसी चैनल पे। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि हम लोग बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ के जय माता दी, लव यू ऑल।